गाइज यहाँ पर हम पांच सेंटेंस लिखे हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या ऐसा डिफरेंट है, क्या खासियत है और इस वीडियो में हमको आज क्या सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले है, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ ये तो इज एम आर का सेंटेंस है, जनरल सी बात है, आई एम हैप्पी वगैरह इस तरह से बोल के आप बना दीजिएगा। लेकिन इससे पहले जो ये वर्ड आ रहा है, सच कहूँ तो, ठीक है, सच कहूँ तो, जिसे सच कहूँ तो वह मेरा अच्छा दोस्त है, सच कहूँ तो आज मेरा तबीयत खराब है, सच कहूँ तो आज मैं बहुत खुश हूँ, सच कहूँ तो वे लोग यहाँ आए हुए हैं। तो कुछ भी सेंटेंस बोलने में, मतलब कोई भी सेंटेंस बोलने से पहले सच कहूँ तो ये जो बोला जा रहा है इसको हम कैसे बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, जीवन भगवान की देन है। बिल्कुल अच्छी बात है, जीवन भगवान की देन है, इंग्लिश अभ्यास की देन है, प्यार प्रकृति की देन है। तो जो ये शब्द आ रहा है की देन है, इसको हम कैसे बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है, पैसे बचाने की आदत डाल लो। अक्सर हम लोग ऐसा सुनते हैं कि पैसे बचाने की आदत डाल लो, बड़ों की आदर करने की आदत डाल लो, ठीक है, मेहनत करने की आदत डाल लो। तो की आदत डाल लो, आदत डाल लो, हम इसको कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर की आदत डाल लो, इसको हम कैसे बोलेंगे। फिर है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अक्सर आप ही बोलते होंगे, सुनते होंगे, ठीक है, कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, हो सके तो सारा चीज़ हमको बता देना, हो सके तो यहाँ आ जाना, हो सके तो मेरी सहायता जरूर करना। तीस तरह से जो सेंटेंस आ रहा है, हो सके तो इसको हम कैसे बोलेंगे। ठीक है गाइज, फिर है, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, अच्छा होगा कि आप उनसे माफ़ी मांग लो, अच्छा होगा कि तुम ज़्यादा मत बोलो, ठीक है, अच्छा होगा कि तुम ज़्यादा मत खाओ। इस तरह से अच्छा होगा कि, तो अच्छा होगा कि इसको हम कैसे बोलेंगे। तो गाइस कमाल की जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो। वेलकम बैक। तो गाइज सबसे फर्स्ट वाला जो हमारा है वो है सच कहूँ तो। ठीक है, सच कहूँ तो अगर कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, अगर उसके पहले या उसके बाद में अगर सच कहूँ तो ऐसा बोल रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट। क्या बोलेंगे गाइज, टू बी ऑनेस्ट बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, सच कहूँ तो वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अब इसी को हम कैसे बोलेंगे, तो सबसे पहले है सच कहूँ तो, ओके, तो हम यहाँ बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट और हल्का सा कोमा लगाएंगे, उसके बाद वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। सिंपल सी बात है, आप बोल सकते हैं ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, सच कहूँ तो वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। टू बी ऑनेस्ट ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। सच कहूँ तो आज मैं बहुत खुश हूँ, तो बोल देंगे सिंपल सी बात है टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी टूडे। ठीक है, तीस तरह से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। सच कहूँ तो वह मेरा भाई है, सच कहूँ तो वह मुझे बहुत अच्छी लगती है, सच कहूँ तो वह मुझे पसंद करती है। तीस तरह काफ़ी सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के जरिए मुझे विश्वास है कि ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट वाला है की देन है। ठीक है, की देन है, तब की देन है इसको हम बोलेंगे ऑल अ मैटर ऑफ। क्या बोलेंगे गाइज, ऑल अ मैटर ऑफ। अब ऑल अ मैटर ऑफ कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी बोलना अभ्यास की देन है। बिल्कुल सही बात है, अंग्रेजी बोलना अभ्यास की देन है, तो हम बोलेंगे इंग्लिश स्पीकिंग इज। अब क्या है भाई, तो की देन है ऑल अ मैटर ऑफ, तो हम बोल देंगे ऑल अ मैटर ऑफ। अब किसकी देन है, तो अभ्यास की, तो ऑफ के बाद वही लगा देना है, अभ्यास की देन है। तो अभ्यास का क्या होता है गाइज, यहां होता है प्रैक्टिस, हो गया। ठीक है, देखिए कितना आसान है, अंग्रेजी बोलना अभ्यास की देन है, इंग्लिश स्पीकिंग इज ऑल अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे
प्यार प्रकृति का देन है, तो कैसे बनाएंगे इसको? तो हम बोल सकते हैं लव इज ऑल अ मैटर ऑफ, लव इज ऑल अ मैटर ऑफ किसकी देन है? तो प्रकृति की देन है। तो प्रकृति के क्या होता है? नेचर। तो हम यहां लिख देंगे नेचर। प्यार प्रकृति की देन है तो हम बोल सकते हैं लव इज ऑल अ मैटर ऑफ नेचर। तो गाइस देखिए बहुत आसान है, इस तरह से काफी सारे आप सेंटेंस बोल सकते हैं कि ये सब उनकी देन है, ठीक है ना, यह सब मेरी देन है, जीवन भगवान की देन है, ठीक है। तो इस तरह से काफी सारे सेंटेंस आ सकते हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस के जरिए सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गाइस हमारा नेक्स्ट वाला है आदत डाल लो। की आदत डाल लो, अब किसकी आदत डाल लो? तो पैसे बचाने की आदत डाल लो, अपने से बड़ों की आदर करने की आदत डाल लो, ठीक है, कड़ी मेहनत करने की आदत डाल लो। इस तरह से काफ़ी सारे सेंटेंस आ सकते हैं और हम लोग कभी ना कभी जरूर इसको यूज करते हैं या आप कभी ना कभी आप सुने होंगे किसी को बोलते हुए। तो अगर हमें इसे अंग्रेजी में बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे? तो सिंपल सी बात है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आदत डाल लो। अब आदत डाल लो आएगा तो वहाँ पर हम बोलेंगे गेट इन टू द हैबिट ऑफ, गेट इन टू द हैबिट ऑफ, ओके। अब कैसे होगा, जैसे मान लो पैसे बचाने की आदत डाल लो, पैसे बचाने की आदत डाल लो, तो आदत डाल लो शुरू में हम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे गेट इंटू द हैबिट ऑफ, अब किसकी आदत डालो? पैसे बचाने की, तो हम बोल सकते हैं सेविंग मनी, ओके। गेट इंटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी, गेट इंटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। कड़ी मेहनत करने की आदत डालो, इसको हम बोल सकते हैं गेट इंटू द हैबिट ऑफ, अब किसकी आदत डालो? तो कड़ी मेहनत करने की, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं वर्क हार्ड, ओके। कड़ी मेहनत करने की आदत डालो, तो गेट इंटू द हैबिट ऑफ वर्क हार्ड। चलिए नेक्स्ट वाला हमारा है, नेक्स्ट वाला जो हो सके तो, तो गाइज नेक्स्ट वाला है हो सके तो, जैसे कि बोलते हैं हो सके तो आप यहाँ से चले जाइए, हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, हो सके तो सारा कुछ मुझे बता देना, हो सके तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो उसे बुला ले आना, तरह तरह के सेंटेंस आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर है हो सके तो हो सके तो इसका अंग्रेजी होगा इफ पॉसिबल, क्या बोलेंगे? हो सके तो क्या बोलेंगे? इफ पॉसिबल। जैसे यहां पर है गाइज हो सके तो मुझे माफ कर देना, इसको हम बोलेंगे इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल और उसके बाद क्या, मुझे माफ कर देना, तो हम बोल सकते हैं फॉरगिव मी, ठीक है, हो सके तो मुझे माफ कर देना, इफ पॉसिबल फॉरगिव मी, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, तो हम क्या बोल सकते हैं इफ पॉसिबल इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इफ पॉसिबल तो हम बोल सकते हैं सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, हाँ। और मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और मुझे विश्वास है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे सेंटेंस प्रैक्टिस के जरिए सीख सकते हैं, हो सके तो सारा कुछ मुझे बता देना, इफ पॉसिबल टेल मी एवरीथिंग, ओके। तो इस तरह से काफ़ी सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट वाला है अच्छा होगा कि, ठीक है, अच्छा होगा कि, अब अच्छा होगा कि अब इसको कैसे सेंटेंस आएगा भाई, तो आएगा अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, अच्छा होगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा होगा कि आप अंग्रेजी सीख लो, अच्छा होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, अच्छा होगा कि आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए, आपसे गलती हुई है इसलिए आप उनसे माफ़ी, आपने कोई गलती नहीं की है, बस मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओके।
तो अच्छा होगा कि ज़्यादा मत बोलो, अच्छा होगा कि ज़्यादा मत सो, अच्छा होगा कि अंग्रेजी सीख लो, अच्छा होगा कि ये कर लो वो कर लो, तरह तरह काफ़ी सारे सेंटेंसेस आ सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? तो सिंपल सी बात है, अच्छा होगा कि, तो यहाँ हो जाएगा हैड बेटर। क्या जी? हैड बेटर। अब हैड के पहले कोई सब्जेक्ट आएगा, अब सब्जेक्ट डिपेंड ये करता है कि सेंटेंस में कैसा आता है, ठीक है ना, उस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए अच्छा होगा कि तुम यहां से चले जाओ, तो सिंपल सी बात, तुम यहां से चले जाओ तो यू हैड बेटर हम बोलेंगे, बोलेंगे यू हैड बेटर, अब क्या करो यहां से चले जाओ, सिंपल सी बात है, आप लिख दीजिए, बोल दीजिए गो फ्रॉम हियर। ओके, देखिए कितना सिंपल था, अच्छा होगा कि तुम यहां से चले जाओ, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। ओके, अच्छा होगा कि सारा कुछ मुझे बता दो, ठीक है, या सारा चीज मुझे बता दो। तो सिंपल सी बात है, आप बोल सकते हैं यू हैड बेटर टेल मी एवरीथिंग, ठीक है। तो गाइस इस तरह से काफी सारा सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो गाइज इस तरह से काफी सारे सेंटेंस आ सकते हैं, अच्छा होगा कि आप वहां चले जाए, अच्छा होगा कि थोड़ा पढ़ लो, अच्छा होगा कि अंग्रेजी सीख लो, मान लो इसी को बोलना होगा, अच्छा होगा अंग्रेजी सीख लो, ठीक है ना। तो ये भी बोल सकते हैं यू हैड बेटर लर्न इंग्लिश, ठीक है गाइज। तो देखिए कितना आसान है, बहुत ही इजी है, आप प्रैक्टिस के जरिए आराम से, मतलब कि बड़े ही आराम से आप सीख सकते हैं। तो गाइज ये सारा का सारा सच कहूँ तो की देन है, आदत डाल लो, हो सके तो अच्छा होगा कि हम लोगों ने 5 वर्ड सीखे जो सेंटेंस में तरह तरह के यूज होते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ये आज के वीडियो में हम लोग टोटल 5 वोकैबलरी कह लीजिए, या नए नए प्रकार के नए नए सेंटेंस को बनाना या बोलना कह लीजिए, हम लोगों ने सीखा। That's all today. Okay, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये आज का टॉपिक, आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और साथ साथ शेयर जरूर कर दें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।